पता इनको भी चल गया है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। जिससे इनको अपनी हार समीप दिख रही है, ये बौखलाहट। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। 5 चरणों के चुनाव हो गए और वहीं चिराग पासवान का कहना है कि विपक्ष को खलबली मच गई है कि अब वो हार रहे हैं, जिसके लिए वो झूठों का सरदार बता रहे हैं। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन ने कहा कि बीजेपी झूठों का सरदार है, एनडीए झूठों का सरदार है, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमारे 5 चरणों में जीत हुई है, बचे के 2 चरणों में भी हमारी जीत होगी और पुनः हमारी सरकार बनेगी। जरा सुनिए कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, पहले तो इनके पार्टी के दूसरे नेता थे, अब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, जिस तरीके की इसे भाषा की मर्यादा को भूल रहे हैं, ऐसे में ये बात प्रमाणित होती है कि रुझान इनके पास भी पहुंच रहे हैं। पता इनको भी चल गया है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। हम लोग इन पाँच चरणों में जिस तरीके से मतदान हुआ है, 300 से 315 तक का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। अब 25 तारीख वाला और 1 तारीख वाला मतदान, इसमें हम लोग यकीनन 400 का भी आंकड़ा पार करेंगे। और अगर इस बार पूरा एनडीए मिलकर इतिहास में सबसे बड़ी संख्या के साथ केंद्र में सरकार बनाता है, तो उसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर अगर जाती है, तो उसमें भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब वो बौखलाहट उनके अंदर भरती जा रही है। अपनी सीटें कम होता देख और एनडीए की अनप्रेसिडेंटेड जीत की ओर जो एनडीए अग्रसर हो रहा है, उसकी बौखलाहट है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ये पुनः उसी का दूसरा उदाहरण है जो अभी हम बोले हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष किए हैं, उसी तरीके से उसका ये दूसरा उदाहरण है। धीरे धीरे जैसे इनको अपनी हार समीप दिख रही है, ये बौखलाहट है। अभी तो 5वां ही चरण हुआ है ना, अभी 6ठा वाला होने दीजिए 25 तारीख को, उसके बाद इनकी भाषा देखिएगा। और 4 तारीख से पहले तमाम मर्यादाएं खो देंगे क्योंकि इनको अपनी हार स्पष्ट दिखाई देगी। तो आपने साफ तौर पे सुना, चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं हुआ जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को झूठा का सरदार बताया, उस पर प्रतिक्रिया देते और कहते हैं कि लोगों को खलबली मच गई, विपक्ष लगातार डर चुका है कि वो जीत रहा है, लगातार चुनावी फेज जो खत्म हो रहा है और परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है, उसके लिए ये लोग डर चुके हैं। और साथ ही साथ जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो हमारी सरकार बनेगी और एक बार पुनः प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। और इंतजार कीजिए, वो दिन जरूर आएगा जब हमारी फिर से सरकार बनेगी, लेकिन देखना होगा कि आखिर किस किस सरकार बनती है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।